वाह मायरा, बट ऐसे क्यों पढ़ाई कर रहे हो? और ये स्माइली किसने दी है? वो सेवन, ये देखो तारे जमीन पर, एक जगह सेवन सेवन सेवन, सिक्स सिक्स सिक्स, तारे जमीन पर। कनिका देख रहे हो ना? यहाँ गलती करी आपने, ये और ये उल्टा लिखा है। कल ईद है और अब जा रही हूँ मैं आज अपना ईद का सूट पिक करने। अभी मैंने सारी आपने देखा वैक्सिंग वगैरह सब करवा ली है, फेस पे मैंने कुछ नहीं करवाया, बस क्लीन अप करवाया है। लेकिन एक किट मंगा के रखी हुई थी, मैं कब यूज हो जाएगी? ईद मुबारक। और अभी हाँ, जब तक आपके पास ब्लॉग पहुँचेगा तो ईद मुबारक। तो अभी निकल रहे हैं फटाफट से मास्टर जी के पास। आई होप, वैसे जो मेरे पहले वाले मास्टर जी थे वो तो एक बार में सिलते थे ना, फिट एकदम परफेक्ट आता था। अब जसमीत ने दूसरे, जसमीत ने अपना बुटीक अलग से खोला है, अलग से न्यू मास्टर रखे हैं, तब मुझे उनका फिटिंग का थोड़ा सा मुझे डाउट है कि बस कुछ ऑल्ट्रेशन ना हो, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है मुझे आके, बहुत सारी चीज़ें करनी है आज, सारी तैयारी करनी है। गाइस ये देखो हमारे गली में क्या काम हो रही है, देखो आज तो वेडनेसडे मार्केट लगी है, बहुत रश है आज तो भाई। मेहंदी लगाने जाने में मुझे लग रहा है सुबह के 4-5 बज जाएंगे। पिछले साल मेरे को याद है मैं 3 बजे वापस आई थी करवा चौथ पर मेहंदी लगवा के, तो पिछले साल मैं आई थी 1 बजे और बिना मेहंदी लगवाए आई थी 1:30 बजे, और घर आके मैंने कौन से खुद गोल वाली वो जो मेहंदी होती है ना हाथ में, क्या चंदा वाली मेहंदी कहते हैं उसको, वो लगाई थी मैंने। मास्टर जी खोलो, मास्टर जी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी मैंने वेलकम नहीं करा था, अभी ध्यान दिया। तो बस घर आने के बाद रोज़ा खोला मैंने फटाफट से, पानी के साथ ही खोला था, ज़्यादा कुछ खाया नहीं था बिकॉज मेरे को जल्दी जल्दी शीर खुरमा की तैयारी करनी थी। मैंने दूध बॉयल करने रख दिया, उसके बाद ड्राई फ्रूट और राइस का मैंने एक पेस्ट बनाया, और दूध बॉयल होने के बाद थोड़ा सा मैंने अलग से कटोरी में निकाला बिकॉज उसमें हमें कैसे डालना था। वैसे तो हर घर में शायद ये वाली तैयारियाँ सुबह ही होती हैं, मतलब मेरी मम्मी के घर पर भी मम्मी ये वाली चीज़ सुबह सुबह करती हैं ईद वाले दिन। और आप लोगों को पता होगा कि मैं चांद रात वाले दिन ही ये मीठा बना लेती हूँ ताकि मेरा रात भर में अच्छे से ठंडा हो जाए, फ्रिज में रख के और फिर उसको आप आराम से सुबह खा सको। सुबह मैं कब उठूँगी कब बनाऊँगी, बिकॉज मुझे चांद रात वाले दिन रात को इतना ज़्यादा लेट हो जाता है मेहंदी और सारी तैयारियों में कि मैं फिर थोड़ा सा लेट उठती हूँ सुबह, और अकेली भी हूँ तो फिर मतलब पता ही नहीं चलता। अब तो ईद का वैसे बचपन में मज़े होते थे ईद के, तो फिर मैंने यहाँ सारी चीज़ें डाल दी हैं अपनी शीर खुरमा में, और मैंने इलायची पाउडर डाल दिया, नारियल डाला, ड्राई फ्रूट्स में मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ ड्राई फ्रूट्स, और मैंने इसे वहीं भी क्रश करके डाल दिए हैं। इसको अच्छे से थोड़ा गाढ़ा होने तक पकने देंगे कम फ्लेम पर। उसके बाद केसर वाला दूध भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसमें मैंने इस बार ना चीनी नहीं डाल दी, और तमन्ना को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था कि दी आप क्या डाल रहे हो, मैंने कहा ये मिल्क मेड है, इससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है और ये मीठे का ही काम करता है। उसके बाद लास्ट में 10-15 मिनट पहले मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, काजू बादाम और थोड़ा सा पिस्ता, और बस कुछ देर बाद अच्छे से खीर बनकर रेडी हो गई थी। साथ ही साथ मैंने दही भल्ले की तैयारी कर ली थी, भल्ले तो हम सुबह फ्राई करेंगे बट मैंने उसका जो बैटर है उसको रेडी कर लिया था अदरक और मिर्ची डालकर, और साथ में दही भी मैंने रेडी कर लिया था। दही में मैं थोड़ा सा चीनी डाल के उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेती हूँ। बैटर को पीसने के बाद उसको जितने अच्छे से फेंटोगे ना आपके भल्ले काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। बस फिर रेडी होकर निकल गई थी मैं अपनी चांद रात की तैयारी के लिए। पर आ रहे हैं जो मैं पहनती थी, मुझे खुद ही नहीं सूट कर रहा, मतलब खुद ही अजीब सा लग रहा था इतने टाइम से छोटा स्टोन पहन कर। बस ये समझ लो कि दिल को और शक्ल को पसंद आ गया इसलिए। मैं तो यही तो मेरी प्रॉब्लम है ना, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करती। नहीं सूट करेगा तो मत करना। मैं करके गई हूँ आपके पास लास्ट टाइम, नहीं अब तो और भी आते हैं। क्यों 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 क्या कर रहे हैं फीफी आज? आज मरमेड रेस करते हैं। आज भी बोलो, आज भी मरमेड। चलो ये सिखाओ गाइस। तो मैं आ गई हूँ सैलो, निकल गई थी मैं घर से आने के बाद। पहले मैंने नो स्पिन पहनी वाला शॉर्ट तमन्ना ने ले लिया था,
क्योंकि मैं बहुत टाइम से छोटा स्टोन पहन रही थी, मुझे उसमें कंफर्टेबल फील ही नहीं हो रहा था बिकॉज मैं हमेशा से बड़ा स्टोन पहनती हूँ, बट मैंने कुछ टाइम के लिए पहना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने फाइनली अपना वे वाला स्टोन पहन लिया और टचअप करवाने गई थी तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी ये देखो फ्लिक्स भी कटवाई है, बिकॉज मेरा मन कर रहा था बहुत टाइम से कि मैं ऐसा कुछ अपना लुक मतलब थोड़ा सा चेंज करूँ। मैंने बहुत टाइम पहले आई थिंक जिस बर्थडे पे मुझे साइमा ने सरप्राइज़ दिया था तब मैंने अपनी ऐसी इतनी शॉर्ट फ्लिक्स करवाई थी, इसके बाद मैं अब करवा रही हूँ। आई थिंक उस चीज़ को हो गए 4 साल, हमारा 1 ईयर की थी, 1 ईयर के आसपास। तो अब एकदम से लुक थोड़ा सा चेंज हो गया है और मैंने नेल्स भी करवा ली अपने। अब काफ़ी लोग बोलेंगे ईद की नमाज़ नहीं पड़ेगी, तो गाइस हमारे में मतलब हर कोई अपने तरह फॉलो करता है, तो हमारे में जो है ना हमारे में ईद की नमाज़ लड़कियों के लिए नहीं होती है, मैं आपको पहले बता दूँ। तो अभी मैंने करवा ली है कि मायरा के बर्थडे के लिए भी चल जाएंगे, एंड बहुत सिंपल से करवाए हैं। पर्ल वाइट पे मैंने वही कुछ मल्टी शाइन वाला ग्लिटर करवाया है, उससे क्या होता है ना वो सारे कपड़ों पे चल जाता है। अब साइमा पहुंच गए लखनंदा मार्केट, वेटिंग करनी पड़ती है, आप कितनी भी पहले पहुँच जाओ 2-3 घंटे आपको वेट करना पड़ता है, बट वो कह रही है टाइम लगेगा। मैंने देव भैया से भी बात करी जो मेरे को मेहंदी लगाते हैं, वो कह रहे टाइम लगेगा, बट साइमा कह रही तू आ जा मुझसे मिल लेगी। और मैंने पता है सिर्फ आज रोज़ा कैसे खुला है, एक या दो भी नहीं, एक और आधी खांड भी खाई, पानी पिया और मैं फटाफट तमन्ना के साथ निकल गई, मुझे क्योंकि तमन्ना को सैलरी देनी थी एटीएम से निकाल के, और बस इसलिए मैं जल्दी निकल गई। तो गाइस मैं बस घर गई और मैंने देव भैया के लिए खीर पैक करी, क्योंकि उन्होंने कल रात को ही बोल दिया था, मैंने उनका रात को फ़ोन करा था, मैंने कहा ऐसे ऐसे टाइम निकाल के रखना मेरी मेहंदी के लिए, तो उन्होंने रात को ही बोल दिया था कि आप वो जो वो बनाओगे ना मीठा ईद के लिए बनाते हैं वो मेरे लिए लेकर आना, तो मैंने उनके लिए बस यहाँ पे खीर पैक कर लिया बॉक्स में और मैं निकल गई हूँ। साइमा लगवा रही है मेहंदी, मम्मी को फ़ोन करे जा रही हूँ, मम्मी आई थिंक बिजी हैं, फ़ोन उठाती हैं तो उनको भी बोलती हूँ, वो भी भाई के साथ मार्केट आ जाएंगी फिर मेहंदी लगवाएंगे। और गाइज चांद रात बहुत बहुत मुबारक, और जब तक आपके पास ये ब्लॉग जाएगा ना तब तक आपको ईद भी मुबारक हो, और देखते हैं आज कितना टाइम लगेगा। हर साल का है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और मेरे को ना भूख भी लग रही है, मैंने कुछ भी नहीं खाया सुबह से, पहले मैं जाती हूँ मोमोज खाऊंगी। सो गाइस हम मार्केट में पहुंच गए हैं, चलो जल्दी से आप लोग ढूंढो, देखते हैं पहले आप लोग ढूंढोगे कैमरे से साइमा को या फिर मैं, देखते हैं कहाँ है भाई। देव भैया कहाँ बैठे हैं कोई बता दो, देव भैया वो नहीं बैठे हैं, ये रही इनको तो अस्सलाम वालेकुम कैसे हो ऐसे मिल लो हाँ जी आप ईद मुबारक। रुखसार को मेहंदी लग रही है, साइमा को लग रही है, आंटी को लग चुकी है, और मेरा भी इसके बाद मेरा नंबर है ना देविया के बीच में कोई और है तो लगा लो, क्योंकि मैं पहले खाऊंगी अच्छे से फिर लगवाऊंगी मेहंदी। हाँ बताओ का हमेशा का है बाबू, मेरे में दिखेंगे भैया ऐसा मत करो, मैं बता रही हूँ कंपटीशन हो जाएगा मेरा। कितने वाला हाथ लगवा रही है, मैं तो फ्री का लगवा रही हूँ, बस देख के डिजाइन में समझ गई थी मैं, ये देख रहे हो ईदी लगवानी, मैंने पैसे दियो मेहंदी के और ईदी भी दियो। फिर आपने लास्ट में वो क्या डाला, वो गरम है भट्टा ही डाला, लो करना है ऐसे, मेरे को ऐसे पसंद है। डिजाइन कैसे दिखाएंगे, मैं दिखा रही हूँ ना आपको, फोन खोल के रखूंगी ना। अब जल्दी से खोलो मुँह, चिंता जानना चाहती है जल्दी। मेरी मेहंदी स्टार्ट हो गई है, इसके बाद अब मैं जब फाइनल होगा ना फाइनल रिजल्ट वो दिखाऊंगी आपको, ठीक है गाइस। तो बस मैं मेहंदी लगवा कर आई हूँ, पानी पिया मैंने, बहुत तेज प्यास लग रही थी मुझे और मैं डेड हो गई हूँ, डेड बस थोड़ा सा वेट कर रही हूँ यहाँ पे। फ्रंट की मेरी थोड़ी सी मोटी है, वो सूख जाए मेरी शक्ल ऐसे है क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, सूख जाए तो बस मैं अंदर जाऊँगी फिर कपड़े चेंज करूँगी और सो जाऊँगी। और मैं सोच रही हूँ चांद रात के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर दूँ, कल ईद का ब्लॉग नया शुरू करती हूँ, सो इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाकी मेरी मेहंदी देख लो आप कुछ इस तरह की लगी है, थोड़ी सी कहीं कहीं से भी गीली है, मेरे हाथ से पकड़ भी तो नहीं सकती क्योंकि मैंने ना इंस्टेंट मेहंदी लगवाई है, इसकी सूख गई है पहले लगी थी,
इतनी अच्छी लगी टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी मेहंदी इतनी सी, इसको लगने में 3 घंटे लग गए क्योंकि पहले एक एक किसी ने बनाया, ये वाला चांद ये देखो कितना गंदा है, उनसे नहीं बना वो छोड़ के चले गए। मैंने आधा घंटा वेट करा, दूसरे एक हाथ में एक अंकल लगाने बैठे, एक हाथ में एक आंटी, उन्होंने थोड़ा थोड़ा बनाया यहाँ पर, ये वाले अंकल ने ये वाला बनाया, उनसे नहीं बना वो भी छोड़ के चले गए। फिर मैं फिर एक घंटा बैठी वेट करा, फिर किसी तीसरे बंदे ने आके मेरी मेहंदी लगाई, उसने थोड़ी सी लगाई आधी आधी, वो भी गायब। फिर मैंने वेट करा, मतलब आसपास के सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आपकी मेहंदी कोई लगा नहीं रहा, मतलब मैंने कहा इतना भी मैंने कोई मुश्किल डिज़ाइन नहीं दिखाया कि कोई लगा ही नहीं पा रहा था, और मैं इतनी परेशान हुई, मतलब कहने को इतनी सी मेहंदी है बट इसमें मुझे बहुत टाइम लग गया, मैं थक गई थी। एक मिनट के लिए मेरा दिल कर रहा था मैं उठ के चले जाऊँ, फिर मैंने कहा यार मेरा थोड़े से गुस्से के चक्कर में मेहंदी रह जाएगी, पिछले साल भी नहीं लग पाई थी। आपको याद होगा मैंने घर आके कौन से वो गोल वाली मेहंदी लगाई थी, वो लगा लेती मैं, बट मेरे मेहंदी का डिज़ाइन बीच में बन चुका था तो मैं वो भी नहीं कर सकती थी। सो आई होप आप लोगों ने आज का ब्लॉग इन्जॉय करा होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता वो भी कर देना। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय गाइज, एंड चांद रात भी मुबारक और ईद भी मुबारक, क्योंकि ये वाला ब्लॉग पहले जाएगा।